स्मार्ट यूट्यूबर बनो इस चैनल में आप सभी न्यू यूट्यूबर का सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अगर आप ग्रो कर रहे हैं, न्यू यूट्यूबर है, तो आपको पता नहीं होता बहुत सारे गाइडलाइंस है। कम्युनिटी PLL अभी नया 12 नवंबर को यूट्यूब ने उसे फिर से कि आपसे किसी पर्सनल इंफॉर्मेशन आप शेयर नहीं कर सकते, यानी उसके ऊपर वीडियो के अंदर आप अगर करेंगे तो उसे ब्लॉर करना है, उसे बताना नहीं है, क्योंकि उसका मिसयूज हो सकता है, कोई उसे कॉपी करके साइबर क्राइम कर सकता है, आपके बैंक अकाउंट का डिटेल हो, आप फॉर्म फिलिंग करके बताते हैं अपने वीडियो में, तो उस समय अगर आप अपना भी अगर डाल के दिखा रहे हैं तो उसका भी मिसयूज होता है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप ब्लॉर करें, व्हाट्सएप है, आधार कार्ड है, या पैन कार्ड है, या बैंक डिटेल है, या किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन उनकी आज्ञा के बिना अगर आप वीडियो बनाते हैं, शेयर करते हैं, भले उनकी फेसबुक पर हो, इंस्टाग्राम पर हो, या यूट्यूब चैनल पे हो, दोस्तों एक गलती नहीं नए यूट्यूबर से हो जाती है। मैंने भी ऐसी गलती कर दी दोस्तों, तो एक स्ट्राइक मेरे पर आ गया। अगर 3 स्ट्राइक 90 दिन के अंदर आता है तो चैनल टर्मिनेट कर देते हैं यूट्यूब, यानी वो फिर कभी नहीं आएगा। तो कॉपीराइट जैसा क्लेम है वैसे ही ये है दोस्तों। मैंने क्या गलती कर दी थी, मैंने सोचा कि 1 महीने के बाद कॉपीराइट अपने आप हट जाएगा, और मेरा गुरु जी का वीडियो था अध्यात्म से राजनीति की ओर यात्रा, सतपाल जी महाराज मानव धर्म के प्रणेता, और मैंने प्रचार की सद्भावना से कि लोग ऐसे महापुरुष को लाइव अभी जाने, उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था और इंस्टाग्राम से कॉपी किया था दोस्तों। उसमें कोई मैंने वॉइस नहीं डाला था, उनका भी कोई वॉइस नहीं, म्यूजिक था, ऐसे देखने जाए तो उसके अंदर कुछ ऐसा कंटेंट नहीं था कि उसके ऊपर स्ट्राइक आ सके। फिर भी वो जो वीडियो है, स्क्रिप्ट है, फोटो है वगैरह, ऑर्थर जो सतपाल जी महाराज है उनके तरफ से, मानव धर्म के प्रणेता हैं, उनके तरफ से मेरे माई स्माइली इंडिया चैनल पे एक स्ट्राइक आ गई है 22 नवंबर को दोस्तों। और 7 दिन में उसका मुझे एप्लीकेशन करना है, वो किस तरह करना है पूरा इस वीडियो में देखे दोस्तों। वो 90 दिन तक आपके आप जाएंगे क्रोम ब्राउज़र में YT स्टूडियो में, तो वहाँ आपको दिखेगा वायोलेंस स्ट्राइक नंबर 1, 1, 2, 3। अगर 3 आ गया 90 दिन के अंदर तो आपका चैनल बंद हो सकता है, टर्मिनेट हो जाता है, डिलीट हो जाएगा, इसलिए ये गलती ना करें। पूरा वीडियो आप देख ले, मैं आपको मोबाइल के स्क्रीन पर ले जाता हूँ और पूरा आपको डिटेल दिखाता हूँ किस तरह एप्लीकेशन करना है, किस तरह आता है क्रोम ब्राउज़र में, किस तरह जाए, आपके पास मेल आएगा दोस्तों, तो उस मेल में ये मैसेज आता है। 22 तारीख को उन लोगों ने मैसेज किया kumarkaushal@gmail.com पे से आया मैसेज, टर्मिनेट कर दिया, और जैसे ही टर्मिनेट होता है वीडियो आपको दिखेगा नहीं, डिटेल नहीं दिखेगा, सिर्फ लिंक दिखेगी। तो दोस्तों ये गलती ना करें कि वो लिंक को आप डिलीट करें, क्योंकि उसके बाद आपको एप्लीकेशन करना है तो वो लिंक बहुत ज़रूरी है। अगर आप डिलीट कर देते हैं तो लिंक भी नहीं रहती, तो मैंने ये गलती कर दी दोस्तों, आप ये गलती ना करें। और अब क्या करना है वो सभी हम मोबाइल के स्क्रीन से समझते हैं, तो अंत तक बने रहिए। अगर आप स्क्रिप करेंगे तो कुछ भी समझ नहीं पाएंगे। अगर आपको ऐसा लगता है बहुत ज़रूरी है तो वीडियो को डाउनलोड करें, मैं यही करता हूं दोस्तों, जो भी सीखना रहता है बार बार देखता हूं, तब उसके ऊपर मैं अपना वीडियो बनाता हूं, समझता हूं और सीखता हूं। प्रैक्टिकल उसे सीखने के बाद उसे प्रैक्टिकल करना भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो चलिए देख लेते हैं पूरा वीडियो। अगर आप नए यूट्यूबर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी का प्रेस बटन भी दबा दीजिए, ताकि इस तरह की अपडेट, लेटेस्ट जानकारी जो आपको चैनल को ग्रो करने में हेल्प करेगी, वो समय समय पर आपको मैं देता रहूं। चलिए मैं देख लेता हूं किस तरह कॉपी करना है, एप्लीकेशन करना है।
और आपको किस तरह मिलता है पूरा इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। दोस्तों, मोबाइल स्क्रीन पर जाने से पहले हम अपने YouTube क्रिएटर हिंदी चैनल का देख लेते हैं। कॉपीराइट उल्लंघन की वजह से वीडियो को हटाने का अनुरोध और कंटेंट आईडी के बारे में है। कॉपीराइट उल्लंघन की वजह से वीडियो हटाए जाने के नोटिस और कंटेंट आईडी के दावे के बीच क्या अंतर होता है? जब कोई कॉपीराइट का मालिक अपलोड किए गए वीडियो के किसी हिस्से के बारे में हमको कानूनी तौर पे मान्य शिकायत भेजता है तो उसे वीडियो हटाने का नोटिस कहा जाता है। हम अमान्य या इनवैलिड नोटिस को फिल्टर करने की पूरी कोशिश करते हैं। अगर हमें कोई मान्य नोटिस मिलता है तो कॉपीराइट कानून का पालन करने के लिए हमें आपका वीडियो हटाना होगा। हमारी ये भी कोशिश रहती है कि लोग YouTube पर दूसरे लोगों के कॉपीराइट का उल्लंघन बार बार ना करें, इसलिए आपको कॉपीराइट की शिकायत भी मिलेगी। कॉपीराइट की शिकायत के मामले में इस तरीके से सुलझाया जा सकता है। कॉपीराइट की शिकायत को हटाने का इंतजार किया जा सकता है। ये शिकायत 90 दिनों के बाद अपने आप हट जाती है। आपका वीडियो हटाने वाले व्यक्ति से संपर्क करना और उनसे अपनी शिकायत वापस लेने के लिए कहना या काउंटर नोटिफिकेशन सबमिट करना। अगर आपके चैनल के खिलाफ 3 कॉपीराइट की शिकायत मिलती है तो आपका अकाउंट बंद किया जा सकता है। दूसरी ओर पर कंटेंट आईडी अपने आप काम करने वाला एक कॉपीराइट मैनेजमेंट सिस्टम है। कॉपीराइट के मालिकों के लिए कंटेंट आईडी अपने आप उन वीडियो की पहचान करता है जिनमें उनके कंटेंट का इस्तेमाल हुआ है। इससे कॉपीराइट के मालिक कॉपीराइट उल्लंघन की वजह से वीडियो हटाए जाने का नोटिस भेजने की बजाय उन वीडियो पर सीधा दावा कर सकते हैं। कंटेंट आईडी का इस्तेमाल कॉपीराइट कंटेंट की पहचान करने के लिए किया जाता है। ध्यान रखें कि कंटेंट आईडी का दावा कॉपीराइट उल्लंघन की वजह से वीडियो हटाए जाने के नोटिस से अलग होता है। अगर कॉपीराइट का अधिकार रखने वालों के कॉपीराइट की शिकायत नहीं करनी है तो वीडियो हटाने के अनुरोध के बदले वीडियो पर कंटेंट आईडी का दावा भी किया जा सकता है। इसका इस्तेमाल 3 चीजों के लिए किया जाता है। पहला, साइट से वीडियो को हटाए बिना उसकी परफॉर्मेंस देखने के लिए। दूसरा, अलग अलग देश के हिसाब से इसे रोकने के लिए। और तीसरा, वीडियो पर एड्स या विज्ञापन दिखाकर कमाई करने के लिए। अक्सर इस विकल्प को ज्यादातर चुना जाता है। सबसे जरूरी बात, कंटेंट आईडी की वजह से वीडियो पर लगने वाली ब्लॉक में कॉपीराइट की शिकायत शामिल नहीं होती है। हालांकि कॉपीराइट उल्लंघन की वजह से वीडियो को हटाने का अनुरोध करने पर कॉपीराइट की शिकायत भेजी जा सकती है। इसके अलावा ध्यान दें कि कॉपीराइट उल्लंघन की वजह से वीडियो को हटाने का अनुरोध करने की एक तय संख्या होती है, जबकि आपके वीडियो पर मिलने वाले कंटेंट आईडी के दावे की कोई तय संख्या नहीं होती। इन दावों से आपके चैनल या सुविधाओं के इस्तेमाल पर कोई असर नहीं पड़ता है। ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद सहायता केंद्र लिंक पर जाएं। साथ ही लिंक की गई हमारी कॉपीराइट सीरीज में और वीडियो जरूर देखें। धन्यवाद। आने पर आप क्या करें? आप अपील कर सकते हैं YT स्टूडियो में जाके। तो चले इस वीडियो में हम देख लेते हैं स्ट्राइक। अगर आपने किसी का कंटेंट का यूज किया है तो वो आपको देता है PLL कम्युनिटी गाइडलाइन के हिसाब से 14 नवंबर को। ऐसे तो था मगर उसको और डिटेल से समझाया है हिंदी में YouTube क्रिएटर इंडिया चैनल में। आप वहां सब्सक्राइब करके समझ सकते हैं। फिर भी आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, अगर किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन या उनका आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, बैंक डिटेल है, आप डालते हैं तो आपको स्ट्राइक मिलता है। अगर 3 स्ट्राइक मिल जाता है 90 दिन के अंदर तो आपका चैनल डिलीट हो सकता है। दोस्तों, मैंने अपने गुरु जी के ऊपर, हमारे मानव धर्म के प्रणेता श्री सतपाल जी महाराज के ऊपर मैंने वीडियो बनाया था, उनका
राजनीति से इंस्टाग्राम में से कॉपी करके, मगर मेरे ऊपर फर्स्ट स्ट्राइक 900 वीडियो के बाद ये मेरे ही गुरुजी ने मेरे ऊपर, आप ऐसा कंटेंट अगर करते हैं तो स्ट्राइक मिल सकती है, 90 दिन के अंदर अगर 3 स्ट्राइक मिलती है तो आपका चैनल यूट्यूब डिलीट कर देगा, तो आपकी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो ये जो मैंने गलती की है आप ना करें, इसलिए मैं ये वीडियो आपको बना रहा हूँ। दोस्तों देखिए मैं डिलीट कर रहा हूँ, YT स्टूडियो में जाके कंटेंट में जाएंगे, नीचे देखो रेड है एनालिसिस, उसके पास में मातृशक्ति की महिमा, अब इसे मैं ऐसे 3 बिंदु पर टच किया और डिलीट पर क्लिक किया, डिलीट फ्रॉम यूट्यूब हो गया डिलीट। अब दूसरा भी करता हूँ, सद्भावना सम्मेलन नवसारी में, उसे भी 3 बिंदु पे डिलीट, डिलीट फ्रॉम यूट्यूब, ये भी डिलीट कर दिया दोस्तों। अभी एक और है, एडवर्टाइज है नवसारी का, उसको भी मैं डिलीट कर रहा हूँ। तो डिलीट कर दे ऐसे कंटेनर रखने से, क्योंकि बाकी की हमारी 900 वीडियो है उसको इफेक्ट होगा। और ये तीसरा और भी कंटेंट है होगा तो मैं डिलीट करूंगा। उनका प्रवचन मैंने कॉपी किया था, फेसबुक पर से भी किया था, मैंने 2 वीडियो अभी डिलीट कर दिया दोस्तों आपके सामने। भक्तों को मैं क्षमा मांगता हूँ कि ये वीडियो मैं डिलीट कर रहा हूँ, मेरे ऊपर एक स्ट्राइक आई है, दूसरी 2 आएगी। अभी मुझे प्लेलिस्ट भी बनाना ही आता है, नहीं तो एक ही प्लेलिस्ट में डाल देते तो उससे डिलीट कर देता दोस्तों। आज मैं सीखूँगा और आपको भी सिखाऊँगा प्लेलिस्ट किस तरह बनाया जाता है। मेरी स्मार्ट यूट्यूबर बनो, इस चैनल को आप लाइक कर ले और वहाँ जाके आपको चैनल के बारे में सभी जानकारी, यूट्यूब रिलेटेड काइन मास्टर कैसे डाउनलोड करें बिना वाटर मार के, कैसे एडिटिंग करें, कैसे वॉइस ओवर करें, कैसे म्यूजिक डाले, पूरा आपको वहाँ टाइम टू टाइम अपडेट भी मिलेगा लेटेस्ट। देखो जैन धर्म का है, उन्होंने भी किसी ने मुझे स्ट्राइक नहीं दी दोस्तों, उनका भी कॉपी मैंने किया है, भजन की कॉपी की है, सत्संग की कॉपी की है, महाशा की वचनों की, मगर आम आदमी की मैंने कॉपी की है, मगर वहाँ कॉपीराइट जो मिलता था म्यूजिक में वो पार्ट में डिलीट कर देता था, मगर किसी ने स्ट्राइक नहीं दिया। इसके अंदर भी हमारा है मगर मेरी आवाज़ है इसलिए मैं डिलीट नहीं कर रहा हूँ, वो इज गॉड, उसमें उनकी वॉइस नहीं है, वो इज गॉड, परमात्मा को जानना ही हमारा जीवन का लक्ष्य है। इसके अंदर भी उनकी वॉइस नहीं है, फोटो है, उसे भी अगर आएगा तो मैं डिलीट कर दूंगा ये दोनों वीडियो दोस्तों, स्ट्राइक मिलेगा तो। ये तिरंगा यात्रा सद्भावना सम्मेलन देखिए, वो भी मैं डिलीट कर रहा हूँ आपके सामने डिलीट। ये तीसरा वीडियो दोस्तों, मुझे दर्द हो रहा है, भारत में जन्म चुके हैं ऐसे महापुरुष जो भारत को विश्व गुरु बनाएंगे दोस्तों, क्या करें, इसमें मेरी वॉइस है उनकी नहीं है, सत्य की आत्मा की वॉइस है, इसलिए मैं उसे डिलीट नहीं कर सकता। कौशल के ईमेल से आए थे जो उनके एडिटर हो गए, जो भी हो गए, चीफ हो गए, मैंने अपील भी की है स्ट्राइक हटाने के लिए, क्योंकि वीडियो ही डिलीट कर देते हैं, वीडियो आता ही नहीं है तो रखने से क्या फ़ायदा, स्ट्राइक जब आती है तो वीडियो स्टॉप हो जाता है, नहीं दिखता है, मैंने डिलीट कर दिया दोस्तों, अपील भी की और डिलीट भी कर दिया। तो शुरुआत में आपसे भी ऐसी भावना में आके गलती हो सकती है, तो आप उसे सुधार ले, डिलीट कर ले, चैनल डिलीट ना हो दोस्तों आपका। बस दोस्तों अब नहीं है, शायद 4-5 ही वीडियो उनको वॉइस का था, ये देखो जीसस का है, मेरे मित्र पास्टर आशीष भाई जो मरने के बाद स्वर्ग में गए और फिर जिंदा हुए, तो आत्मज्ञान दिव्य दृष्टि उनके पास है और सभी के दुख दर्द दूर करते हैं, बीमारी से, बाह्य असर से, भूत प्रेत की आत्माओं से, उनकी भी वीडियो है, उन्होंने भी कभी मुझे स्ट्राइक नहीं दी दोस्तों, पूरा मैंने उसको सत्संग उनका जो है
हर संडे को, आज संडे है, संडे के दिनों के जो होता है नवजीवन मिनिस्ट्री में, वो भी इस वीडियो में आप पाएंगे। दोस्तों आप एक गलती ना करें, पर्सनल इन्फॉर्मेशन PLL ये कम्युनिटी गाइड है कि पर्सनल किसी का आप उनको अनुमति के बिना नहीं कर सकते, तो मैं क्षमा मांगता हूँ। और ये फोटो भी महापुरुषों का है, उनका ही पर्सनल, वो चाहते तो मेरे ऊपर डाल सकते हैं, मगर यहाँ वॉइस नहीं है। वॉइस अगर होता तो, क्योंकि भगवान के ऊपर भी वो अधिकार बना देंगे कि मैं ही भगवान हूँ। ऐसे तो जैसे समुन्द्र में हम जाते हैं, सभी नदी मिल जाती है, तो कभी कोई नदी नहीं ये कहता कि मैं ही भगवान हूँ। हाँ, उसको अनुभव होता है, मगर वो कह नहीं सकता कि मैं सागर हूँ। इसी प्रकार मैं नहीं कह सकता कि मैं भगवान हूँ, क्योंकि मैं, मेरा आत्मा है, वो परमात्मा के साथ मिल चुका है। हर पल में, श्वास में उस परम शक्ति को अनुभव करता हूँ, उसके नाम में लीन रहता हूँ। दोस्तों जो ज्ञानी है, ध्यानी है, वही जानते हैं सत्य क्या है, किस तरह किया जाता है। आदिवासी के बारे में है, मन की शांति के बारे में है। अब नहीं है दोस्तों, अगर ध्यान में आएगा तो मैं उसे भी डिलीट करूँगा। तो आपने देखिए कॉपीराइट किस तरह से आता है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। मैं अपने चलता हूँ YT स्टूडियो में, मोबाइल की स्क्रीन में आ गए दोस्तों। देखो इस तरह कॉपीराइट स्ट्राइक आती है, मैं झूम करके आपको दिखाता हूँ। देखिए कॉपीराइट स्कूल, कॉपीराइट स्कूल है ना दोस्तों। तो ये फर्स्ट मेरी कॉपीराइट आई है, और उसमें क्या क्या कंटेन है, कौन सा वीडियो है, पूरा डिटेल आपको मिलेगा। देखिए स्ट्राइक ऑन 22 नवंबर 2022, और आज मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, आज है 27 नवंबर। पहली तारीख को इलेक्शन होगा यहाँ, और गुजरात में से भ्रष्टाचारी का शासन मुक्त होगा, गुजरात भ्रष्टाचार से मुक्त होगा, और आम आदमी की लहर, उसके साथ मैं सक्रिय हूँ दोस्तों। देखिए कंटेंट यहाँ इतना 8-9 मिनट का कंटेंट है, जो पाया गया वहाँ जो भजन था वही होगा। म्यूज़िक के ऊपर कॉपीराइट आती है दोस्तों, तो म्यूज़िक आप ना डालें, उसे डिलीट करें। ऐसे तो मैंने जैन धर्म का भी म्यूज़िक लिया है, आम आदमी का भी म्यूज़िक लिया है, मगर किसी ने कॉपीराइट नहीं दिया। वहाँ डिस्क्लेमर मैंने लगाया था, फिर भी एक कॉपीराइट स्ट्राइक मुझे मिला है दोस्तों। देखिए कॉपीराइट स्ट्राइक इस तरह से आता है, और इसके बारे में यहाँ से आपको अपील करना रहता है, सिलेक्ट एक्शन, यहाँ टच करेंगे तो कंटेंट क्लेम इट, काउंटर नोटिफिकेशन, ये दो आप कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ काउंटर नोटिफिकेशन कर दिया है, रात को ही मैंने देखा, सुबह जब मैं 5 बजे उठा ध्यान करने के समय मैंने देखा, और तुरंत ही मैंने अपील कर ली। अभी आपके सामने कंटिन्यू करके फिर देख रहा हूँ दोस्तों, ऐसे तो कुछ आएगा नहीं, वीडियो मैंने डिलीट कर दिया है, फिर भी देखते हैं क्या है। प्रोसेस सॉल्व है, टू रिट्रैक्ट देयर टेक डाउन रिक्वेस्ट, आई अंडरस्टैंड द इम्प्लीमेशन ऑफ द फीलिंग ऑफ काउंटर नोटिफिकेशन एंड वॉन्ट टू प्रोसेस। तो यहाँ मैं टिक कर देता हूँ दोस्तों, देखो ये टिक हो गया, जो मैंने अपील की है, रिटर्न टू स्ट्राइक, खींचने के लिए स्ट्राइक, और ये कंटिन्यू कर दिया है मैंने। अब यहाँ से पेज में से हमें निकल जाना है, और उसके बाद वो अपने आप हमें ऑनलाइन रहना चाहिए। दोस्तों काउंटर एड्रेस जो है, अगर आप सही हो, आपका ही कंटेंट है, तो आप भरे, उसके लिए ही है। आप अपील कर सकते हैं कि जो कंटेंट आपका है उसका आप, इसलिए आपका एड्रेस ज़रूरी है, उसमें सभी डिटेल, आपका मोबाइल नंबर, आपका पिन कोड नंबर, सिटी नंबर, ये सभी आपको डालना रहता है। क्योंकि ये कंटेंट मेरा नहीं है, इसलिए इस वीडियो में मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ। आप उसमें, अगर आपका ही कंटेंट हो, आप सही हो,
तो आप भर सकते हैं और फिर उसको डन कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, स्ट्रीट एड्रेस, सिटी का एड्रेस, ये सभी ज़रूरी है। दोस्तों मैं नहीं भर रहा हूँ क्योंकि मैंने कॉपी की है, इसलिए मैं सिर्फ जीमेल पे अपील कर दिया है। उसका फार्म किस तरह बनना है वो भी चलिए हम देख लेते हैं। आपको किस तरह उसका अपील करना है, एप्लीकेशन करना है, तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी कॉपी लिंक रख देता हूँ। आप कॉपी करके उस तरह उस फॉर्मेट में कर सकते हैं। और जैसे ही आप भेजेंगे तो वो पढ़ेंगे और उनको सही लगा तो आपको रिप्लाई भी देंगे। मुझे रिप्लाई भी मिला है दोस्तों, उन्होंने जो रिप्लाई दिया है वो भी इसी वीडियो में मैं आपको साथ दिखा रहा हूँ। देखिए उन्होंने रिप्लाई दिया है कि आप, मैं ये जो रिट्रिक जो स्ट्राइक मिला है उसे खींच रहे हैं, इस तरह का आपको मैसेज वो करना ही है उनको। तो 7 दिन के अंदर ये प्रोसेस होना चाहिए। दोस्तों मेरे पास 5 ही दिन के बाद आया, फिर भी मैं अपील 2 दिन में कर दी। थोड़ा वीडियो सीखा देख के आर्यन टेक का, और किस तरह कॉपी करना है फॉर्मेट का वो भी सीख लिया। तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये सब मिल जाएगा, आप वहाँ से कर ले। और ज़्यादा जानकारी के लिए हिंदी चैनल यूट्यूब क्रिएटर्स इंडिया, जो मैंने लिंक इसी में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से जाके सीख सकते हैं और ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं स्ट्राइक के बारे में। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर ऐसी गलतियां होती है तो नए यूट्यूबर को ज़िंदगी में पहली बार तो ज़रूर होगी, मगर उसमें ही हमें उस गलती को हमें सुधार लेना है, सचेत कर लेना है, ताकि हमारी चैनल डिलीट ना हो। तो स्ट्राइक के लिए एप्लीकेशन तो करना ज़रूरी है। जिस ईमेल एड्रेस यहाँ आप देखेंगे, उस ईमेल एड्रेस ऊपर होगा, उसकी कॉपी करके उसी एड्रेस पर आपको अप्लाई करना है। उसको ट्रैक डाउन कहते हैं, यानी स्ट्राइक को ट्रैक डाउन करना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। और आने वाले समय में जो भी नए नए अपडेट होगा YouTube की तरफ से, 2024 तक बहुत सारे YouTube कर रहा है, सभी जानकारी मैं आपको समय पर देता रहूँगा। धन्यवाद फॉर वॉचिंग, आपने अपना कीमती समय निकाला सीखने के लिए, तो मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और इसी तरह आपका प्यार और सहयोग मिलता रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।